हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि डेली मॉर्निंग में 8 बजे जो है मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेक्चर देता हूं, जो कि आपके लिए होता है जीएस का, जनरल स्टडीज का, जीके का, जिसमें हमने लास्ट वीक के अंदर हमने पॉलिटी कवर करी थी। पॉलिटी के कई सारे ऐसे टॉपिक कवर करवाए मैंने आपको, जो कि एग्जाम के अंदर आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके नेक्स्ट ईयर का आपको जो एसएससी के पेपर है उनके अंदर आपके लिए बहुत बड़ा रोल है जो कि वो प्ले करेंगे। इसी प्रकार से जो है मैंने आप सभी लोगों के लिए इस वीक के अंदर मैंने आपको हिस्ट्री कवर करवाई है। हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको वो सारे टॉपिक करवाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर आपने मेरी क्लास से कवर कर लिए हैं तो आपको आने वाले 2024 के आपका CGL, CHSL या SSC का कोई भी एग्जाम है उसके अंदर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ साथ में कि पिछले 5 सालों में कहाँ कहाँ से सवाल है जो कि SSC के अंदर पूछे गए, इनफैक्ट 10 सालों के अंदर। मैं आपको मार्क भी कर देता हूं कि इस जगह से ये सवाल है जो कि पूछा गया, इस तारीख को ये सवाल है जो कि पूछा गया, वो सब भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो जैनिज्म के ऊपर है। जैनिज्म बुद्धिज्म दोस्तों दोनों ही एक ऐसे टॉपिक हैं जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं और आपके अगले, ठीक है, और आपके अगले एग्जाम के अंदर भी बहुत बड़ा रोल है जो कि प्ले करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो जब मैं बात करता हूं जैनिज्म की, तो जैनिज्म के अंदर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करते हैं, यानी कि आपके जैनिज्म के बारे में, श्वेतांबर के बारे में, दिगंबर के बारे में, लिटरेचर के बारे में, काउंसिल के बारे में, है ना, उत्पत्ति के बारे में, महावीर के बारे में, इसके अलावा जो पहले जो हमारे तीर्थंकर रह चुके हैं उनके बारे में, डिफरेंस क्या है दोनों के बारे में, साथ में बुद्धिज्म जैनिज्म के बीच में भी डिफरेंस क्या है और क्या समानता है, वो भी मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं। तो कंप्लीट जो है वो कवर करेंगे, इसके बाद में आपको कोई समस्या है जो कि नहीं आएगी। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। आप लोगों के लिए IB का कोर्स और GD का कोर्स, GD की दोस्तों 26,000 वैकेंसी कल रात को अनाउंस हो चुकी है। रात को मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया आपके लिए जिसमें सारा डिटेल है GD से संबंधित। तो आपके IB का जो कोर्स है ये 27 तारीख को लॉन्च हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने के अंदर आपका पेपर होगा, फेब मार्च के अंदर। 27 नवंबर को फर्स्ट क्लास होने वाली है। 300 घंटे से भी ज्यादा का कोर्स है, 50 से भी ज्यादा टेस्ट सीरीज है। मैं, शिप्रा मैम, पूरी एक्सपर्ट टीम है जो कि आपको यहाँ पे पढ़ा रही है, लाइव क्लासेस होगी इसी प्रकार से। और यहाँ पे आपको IB40 रेफरल कोड यूज करना है, आपको 3,000 रुपये में कोर्स मिल जाएगा। साथ में GD का बैच भी दोस्तों ये भी 27 नवंबर से ही लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर भी आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। अगर आप GD50 यूज करेंगे तो मात्र 2,000 रुपये में आपको ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप में डाउनलोड करिएगा, SSC में जाइएगा, यहाँ पे GD सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पे आपको GD का बैच मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, जैनिज्म की तरफ चलते हैं। वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी लोग देख सकें, है ना, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा इन वीडियो से। और अगर आप शेयर भी नहीं कर रहे हो तो फिर इतना अच्छा वीडियो देखने का क्या ही मतलब है, कम से कम इतना तो कर दो, है ना, कम से कम और बच्चे को मदद मिल जाए, कोई बच्चा जो नहीं पढ़ पा रहा है। देखो, ऑफलाइन में भी इससे अच्छा कॉन्टेंट नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कितने पैसे दे दो, ये मैं आपको आई कैन राइट इट डाउन गिव इट टू यू, है ना, ये मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। जो क्लासेस मैं आपको करवाता हूँ वो बेस्ट होती है, पूरे यूट्यूब सर्च कर लो आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग दोस्तों को बताएंगे, शेयर करेंगे ताकि और भी किसी बच्चे की मदद हो सके। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं जैनिज्म के बारे में। आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, जैनिज्म और बुद्धिज्म ये 6th century BC के रिलीजन है। जब हिंदुइज्म के अंदर, है ना, हम लोग इंडस वैली का हमने पढ़ा था, हमने क्या सीखा था इंडस वैली के अंदर कि 2350 BC के टाइम पे, आज से 4,500 साल पहले, जो तौर तरीके से वो जी रहे थे उससे हम ये मानते हैं कि वो हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे थे, और वहीं से हिंदुइज्म की शुरुआत जो है वो प्रॉपर तरीके से वो हमें देखने को मिली। ठीक है, आज जो हम लोग फॉलो करते हैं और जो उस 4,500 साल पहले जो फॉलो हो रहा था, काफी सिमिलैरिटीज थी, इसी वजह से हमने ये माना। 2300 BC से 750 BC तक जो है वो, 1750 BC तक जो है वो इंडस वैली रही। उसके बाद में आप देखोगे कि 1200 साल और निकल गए, 1200 साल और निकल गए। जब सिक्स्थ सेंचुरी बीसी आई, यानी कि 600 BC आई, इन 1200 सालों के अंदर बहुत चीजें खराब हो चुकी थी, बहुत चीजें लोगों ने अपने हिसाब से मोल्ड कर दी थी। इसी के बीच में आपको मालूम है आर्यंस भी आते हैं, शुरुआत में ऋग्वेद लिखते हैं तो शुरुआत की किताबें बहुत अच्छी होती, लास्ट में मंडल 10 ऐड करके समाज को 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, महिला पुरुष के अंदर भेदभाव बढ़ा देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है जिसके अंदर पुरुष को महिलाओं के ऊपर जो है वो हावी कर दिया जाता है हर चीज के अंदर, जिससे समाज के अंदर जो है वो इक्वलेंसी नहीं रह पाती है। समाज के अंदर सबसे बड़ी बात है इंसान को ही 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना, उनके, हालांकि उन्होंने जो डिवाइड किया था वो किया था काम के बिहाफ के ऊपर, लेकिन बाद में लोगों ने जो है उसको जाति बना दिया, है ना, उसी को संप्रदाय, उसी को जाति बना दिया, और उसी को ही जो है लोगों को ऊपर नीचे की भावना से देखने लगे।
बहुत सारे समाज में जो है वो कुनीतियां चालू हो चुकी थी, 6th सेंचुरी तक, 6th सेंचुरी BC तक बहुत सारी कुनीतियां थी, उसमें से कुछ मैंने अभी आपको बताई है। इसी वजह से दोस्तों बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे रिलीजन हैं जो कि वहाँ पे लोगों को पसंद आए, लोगों ने खुद को इनके अंदर इंडल्ज किया और फिर बाद में नए संप्रदाय की शुरुआत हो गई। बहुत सारे संप्रदाय आए थे, 100 से भी ज़्यादा लोगों ने फिलॉसफी है जो कि दी थी, क्योंकि सब लोग परेशान हो चुके थे समाज में इस इनइक्वालिटी की वजह से। तो 6th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे फिलोसोफर आए, उन्होंने अपने अपने सेक्ट बनाए, अपने अपने जनजातियाँ बनवाई, अपनी फिलॉसफी रखी। कई थे जो कि बोलते थे बस ऐश करो, कोई मतलब नहीं बाकी चीज़ों, बस बढ़िया ऐश करो, खाओ पियो मस्त रहो, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। उसमें से 100 से भी ज़्यादा जो सेक्ट बने, जो रिलीजन बने, उनमें से 2 ही सर्वाइव कर पाए, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, जैनिज्म मिडिल पाथ था, जो बुद्धिज्म था वो मिडिल पाथ था, उसको फॉलो करना ना तो बहुत आसान था ना बहुत डिफिकल्ट था, तो इसलिए लोग अट्रैक्ट हुए। बातें बहुत अच्छी थी जैनिज्म बुद्धिज्म के अंदर, अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई, सब में इक्वलेंसी रखी गई। अंबेडकर जी ने भी तो अपने फॉलोअर्स के साथ में, लाखों फॉलोअर्स के साथ में बुद्धिज्म क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि वहाँ पे भेदभाव नहीं, किसी भी कास्ट वास्ट वाला कोई फैक्टर नहीं है। उसी के अंदर दोस्तों मिडिल पाथ तो दिया बुद्धिज्म ने, लेकिन उसी टाइम पे जो टफ पाथ था, बहुत ही मुश्किल भरा पाथ था जिसको फॉलो करना, लेकिन उससे ये बोला जा रहा था कि आपको मुक्ति मिलेगी, सेल्वेशन मिलेगा, वो था दोस्तों जैनिज्म। जैनिज्म को फॉलो करना पहले भी बड़ा डिफिकल्ट था, आज भी बड़ा डिफिकल्ट है, तो बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको बनाया गया। एशियन रिलीजन है, फिलॉसफी दी गई दोस्तों कि आप अगर इस रूट को अपनाते हो तो आपको जिंदगी के अंदर क्या मिलेगा, लिब्रेशन मिलेगा, ठीक है, आपको मुक्ति मिलेगी और आप स्पिरिचुअली प्योर हो जाओगे, एनलाइटमेंट आ जाएगा। नॉन वायलेंस का आपको लाइफ के अंदर है जो कि अनुसरण करना पड़ेगा, साथ में और भी कई सारे आपको पाथ है, यानी कि आपको तरीके हैं जो कि अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। इस वजह से, इस तरीके से जो है वो जैनिज्म की नींव है जो कि रखी गई है ना। जैनिज्म के जो रियल फाउंडर माने जाते हैं वो महावीर माने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के बाद में थोड़ा ज़्यादा लोगों को पता चलना चालू हुआ। लेकिन ऐसा माना जाता है जैनिज्म के लिटरेचर के अंदर कि महावीर तो लास्ट थे, जैनिज्म बहुत पुराना है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। 24 तीर्थंकर, 24 ऐसे लोग आए जैनिज्म के अंदर जिन्होंने पाथ दिखाया, उसमें से 24वें दोस्तों लॉर्ड महावीर थे जिन्होंने इस रिलीजन को प्रोपोगेट किया। ओके, ये हुआ 6th सेंचुरी के अंदर। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों साथ के ही हैं, दोनों कंटेम्प्रेरी है, आप ये मान सकते हो कि महावीर और बुद्धा दोनों जो है वो कंटेम्प्रेरी थे, साथ के टाइम के प्लेयर थे। ओके, चलिए, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा साथ के टाइम के प्लेयर थे। तो 24 टीचर रहे, उसमें से लास्ट महावीर है। पेपर में सवाल आता है कई बार कि फाउंडर कौन था, तो ऋषभदेव तो होंगे फाउंडर, लेकिन रियल फाउंडर पूछे पेपर से में तो आपसे वो महावीर लगाना है। ये सवाल टोटल कितने तीर्थंकर थे, ये सवाल पेपर में आ चुका है ऑलरेडी CHSL 2014 में। CGL दोस्तों 2021 के अंदर पूछा गया कि जैनिज्म के अंदर टोटल कितने पाथ फाइंडर या तीर्थंकर देखने को मिलते हैं, तो टोटल 24 देखने को मिलते हैं, समझ गए। 24 टीचर्स को हम लोग तीर्थंकर है जो कि कहते हैं, ये वो लोग हैं जो कि मोक्ष का पाथ है जो कि दिखाते हैं, जिन्होंने लोगों को इस रिलीजन के बारे में बताया। सबसे पहले दोस्तों ऋषभनाथ, जो कि सबसे पहले पेपर में पूछा गया CHSL 2020 में और CGL 1999 के अंदर भी पूछा गया पहले तीर्थंकर कौन थे। ओके, ये भी पूछा गया कि जो ये जैन वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, ये कहां से डिराइव हुआ। तो जैन का जो मीनिंग डिराइव हुआ वो जीना से हुआ, जिसका मतलब होता है कॉन्करर, जो अपने ऊपर दोस्तों कॉन्कर कर ले, जो अपने ऊपर जीत हासिल कर ले, उसी को जैन है जो कि कहा गया, समझ गया मेरी बात। जैसे बुद्ध किसको कहा गया था, है ना, जो मेडिटेशन करे, जो मोक्ष की प्राप्ति के ऊपर जो है वो चल पड़े, उसको बुद्ध, जिसका दिमाग खुल चुका है, जिसको एनलाइटमेंट मिल चुका है, उसको बुद्ध कहा गया, समझ गए। बाद में तो लोगों ने अपने, सभी ने अपने आप को बुद्ध मान लिया, जबकि लॉर्ड महावीर और गौतम बुद्धा दोनों ने ये बोला था कि अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हो तो ही आप जैन और बुद्ध है जो कि कहलाओगे, लेकिन लोगों ने, जनता तो जनता है, फॉलोअर तो फॉलोअर है, जनता ने दोस्तों उसको भी रिलीजन बना लिया, जबकि उन्होंने मना किया था कि सेम गलती आप मत करना जो पहले हुई है, अगर आप उसको रिलीजन बना दोगे तो इसके अंदर फिर कुनीतियां भी आ जाएगी, कुरीतियां भी आ जाएगी और चीजें गलत हो जाएगी और डिवीजन होता चल जाएगा, लोग अपने हिसाब से आते रहेंगे और प्रिंसिपल बनाते रहेंगे और फिर वो बाद में कहलाएंगे उसी रिलीजन से, ठीक है। तो आज अगर बुद्धिज्म का बेटा, बुद्धिस्ट का बेटा अगर पैदा होता तो वो भी बुद्धिस्ट कहलाता, जबकि उसका कोई पता ही नहीं है मेडिटेशन से। वैसे जैन, उसको पता ही नहीं जैन का मतलब क्या होता, लेकिन वो भी जैन बन के घूम रहा है, क्योंकि उसके फादर, दादा, परदादा सारे जैन थे, समझ गए, आज के टाइम पे यही होता है।
तो रिलीजन लोगों ने बना दिया, जो कि बहुत बड़ी गलती करी। उसी वजह से दोस्तों बाद में लोग काफी डिवीजन भी देखने को मिलता है, श्वेतांबर दिगंबर जैनिज्म में भी बहुत हुआ है ना, महायान निरायण बहुत, और 500 डिवीजन हुए हर कंट्री में, 4 प्रकार के डिवीजन हो गए। ये सवाल आपसे पेपर में पूछा गया, जैन का मतलब क्या होता है, ये 2020 के सीजीएल के अंदर 7 मार्च को जो एग्जाम हुआ उसके अंदर पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, कारण क्या था, क्यों जैनिज्म का ओरिजिन है जो कि हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कारण। ठीक है, सबसे पहला कारण क्या था कि जो वैदिक रिलीजन जो था ना वो बहुत ही रिजिड और ऑर्थोडॉक्स हो चुका था, कंप्लीट रिचुअल के ऊपर बेस्ड हो चुका था और ब्राह्मण्स के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा था। वर्ण सिस्टम से दोस्तों समाज में 4 भागों में लोगों को उनके जन्म से ही बांट दिया गया था, जिसमें 2 अपर क्लास जो थी क्षत्रिय और ब्राह्मण वो प्रिविलेज महसूस कर रही थी, और लोअर क्लास की दोस्तों लाइफ जो थी है ना वो बहुत ही खराब है जो कि हो चुकी थी, है ना। बिजनेसमैन वैश्य ट्रेड करके पहने कर मेहनत करके पैसे कमाते, राजा को दोस्तों टैक्स पे चल जाता, ब्राह्मण को सिर्फ एडवाइजर के लिए दोस्तों अच्छा जीवन मिल रहा था, पढ़ाई करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, और जो लोअर कास्ट थे वो बेचारे वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके अपना पालन जो कि चला रही थी। तो समाज को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत लोगों को खफा हुए, बहुत लोग परेशान भी हुए। ठीक है, क्षत्रिय और ब्राह्मण ये दोनों जो है वो सारे प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे थे। ओके, जो डॉक्ट्रिन है जैनिज्म की, जो जैनिज्म के प्रिंसिपल है, शुरुआत में प्राकृत जो लैंग्वेज है उसके अंदर दोस्तों बताए गए है ना, प्राकृत लैंग्वेज लोगों को ज्यादा समझ में आती थी कंपैरेटिवली संस्कृत के लिए। संस्कृत के टेक्स्ट पढ़ने के लिए पहले आपको वेदांत पढ़ना पड़ेंगे, फिर वेदास को पढ़ पाओगे आप। प्राकृत लैंग्वेज में ऐसा नहीं था, सिंपल भाषा में चीजों को लिखा गया था, तो लोगों तक बात पहुंचाने में आसानी हो गई, समझ गए। एग्रीकल्चर के जो लोग थे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में उनको बहुत पसंद आया है ना, क्योंकि वहां पे बिल्कुल समानता थी, चीजें जो है वो बराबरी के साथ में देखी जा रही थी। इसी प्रकार से दोस्तों ये सेक्ट आगे बढ़ता चला गया, जैनिज्म ओवर द टाइम ये भी डिवाइड हो गया। क्या हुआ, जब नॉर्थ के अंदर अकाल पड़ा तो कुछ लोग चले गए दोस्तों साउथ के अंदर। ठीक है, भद्रबाहु ने वहां पे उनको ज्वाइन किया था साउथ में। जब वो साउथ से कुछ टाइम बाद नॉर्थ में लौटे तो महावीर ने बोला था प्रिंसिपल कि आपको कपड़े वपड़े कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नहीं रखनी, जिसका आपको लालच आए, कपड़े भी उनमें से एक है। आज आप नाइकी पहनना चाहते हो, एडिडास है ना, प्यूमा, ये सब ब्रांड है ना यूज करना चाहते हो, क्यों, क्योंकि आपको कहने के लालच है, आप पैसे कमाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, लालच होगा, आपका प्रॉपर्टी बना रहे हो आप एक तरीके से। ठीक है, तो मैं हमेशा इन टी शर्ट में इसीलिए घूमता हूँ क्योंकि मेरे को मतलब नहीं है कपड़ों से, मैं हमेशा क्लास 24 की टी शर्ट में मिलूंगा आपको हर जगह, शादी हो कुछ भी हो, तो वो ये क्योंकि मेरे को कोई इस चीज़ का अट्रैक्शन नहीं है, कोई मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है। तो अगर आप भी इस तरीके से करोगे तो आपको भी लाइफ में बहुत सिंप्लीफाई हो जाओगे, टी शर्ट पहनो चल पड़ो कहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। महावीर ने भी ये बोला कि यार आप चीज़ों को पोजेस करोगे ना तो आपका लालच बढ़ेगा, तो आप कपड़े वपड़े सब छोड़ दो। लेकिन जब नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से लोग वापस नॉर्थ इंडिया में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े हैं जो कि पहन लिए। ऑब्जेक्शन हुआ कि क्यों पहने, ये तो हमें मना किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अब तो हमने पहन लिया, हम तो इसी को अपनाएंगे। तो दोस्तों क्या हो गया, उनके ही समाज में डिवीजन हो गया, एक बन गए व्हाइट कपड़े वाले श्वेतांबर और जो नेकेड रहते थे वो बन गए दिगंबर। दोनों की अपनी अपनी फिलॉसफी, दोनों के अपने अपने तौर तरीके अपने हिसाब से बना लिए। ठीक है, जैसे कि दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करूं तो दिगंबर जो थे वो कभी भी निर्वाण या लिबरेशन डायरेक्टली अचीव नहीं करते थे। ठीक है, उनका ये मानना था, थोड़े पुरुष प्रधान थे, थोड़े से वो समझने की कोशिश करें, वो ये बोलते थे कि अगर आप महिला हो ना तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको पहले पुरुष के तौर पे पैदा होना पड़ेगा, उसके बाद आपको लिबरेशन है जो कि मिलेगा, उनका ये कहना था। तो थोड़ा सा ज्यादा ऑर्थोडॉक्स और पुराना जो है वो दिगंबर सोच के साथ में चल रहे थे। श्वेतांबर जो दूसरी साइड थे उनका ऐसा मानना नहीं था, उनके हिसाब से ये मानना था कि महिला पुरुष दोनों को ही दोस्तों सेल्वेशन लिबरेशन मुक्ति है जो कि प्राप्त हो सकती है ना, वो दोनों की मुक्ति में बिलीव करते थे। उनका ये कहना था कि कोई भी मुक्ति पा सकता है, ओके, चाहे वो घर गृहस्थी वाला आदमी हो या फिर कोई मॉन्क हो। दिगंबर में दोस्तों ऐसा नहीं था। ड्रेस कोड की बात करें, दिगंबर का ये मानना था कि अगर आपको निर्वाण या लिबरेशन अचीव करना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मॉन्क जो है वो कंप्लीटली नेकेड है जो कि रहेंगे। श्वेतांबर का ये मानना था कि न्यूडिटी प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है मोक्ष प्राप्ति के लिए, ओके, इसलिए वो व्हाइट कपड़े जो कि पहनते थे जो कि महंगे नहीं आते, जिसके लिए उनको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दिगंबर दोस्तों मॉन्क को किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी कुछ भी पोजेस करना अलाउ नहीं था। ठीक है, उनका ये कहना था कि अगर आपको इस प्रकार की जीवन जीना है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ओके, हालांकि वो 3 चीजें कैरी किया करते थे, एक थी पिच्छी,
पिच्छी क्या होते हैं, मोर के पंख होते हैं, पता है ना, आपने शायद देखा होगा। एक आपको बहुत अच्छी मूवी बताता हूँ, क्या नाम था, मैंने एक बार पहले भी सजेस्ट किया था, बहुत अच्छी मूवी है, नाम भूल गया मैं, जिसमें जैनिज्म के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया, तीन चार स्टोरीज मिलकर मूवी बनाई है, कभी याद आएगी तो बताऊंगा, नाम भूल गया अभी मैं। तो पिच्छी क्या होता है, ये मोर के गिरे हुए पंख है, इससे बनी हुई झाड़ू होती है ना, तो जब वो चलते हैं ना तो झाड़ू मारते हुए चलते हैं ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े जो है वो उनके पैर से नहीं मरे, किसी प्रकार से किसी को हानि है जो कि नहीं होनी चाहिए, पिच्छी बोलते हैं उसको। एक होता है कमडल्लू, कमडल्लू क्या होता है, ठीक है, ये शुद्ध और मतलब एक पानी ले जाने के लिए एक छोटा सा मटका होता है, एक तरीके से बर्तन होता है, और एक इनके शास्त्र यानी कि जो इनकी किताबें हैं, किताबें, पानी और एक झाड़ू, ये तीन चीजें हैं जो कि कंपलसरी आपको मिलती है दोस्तों दिगंबर के अंदर। श्वेतांबर जो है उसी प्रकार से 14 चीजों को पोजेस है जो कि हमेशा रखते हैं अपने पास में। एक तो व्हाइट कपड़े हो गए, ठीक है, वैसे ही राजोहारना, सॉफ्ट जो आपकी वुल होती है उससे बना हुआ होता है एक हैंडल, ये भी दोस्तों क्या करते हैं, जो वुल है, जो ऊन है, ऊन से बना हुआ होता है, ये भी झाड़ू मारने के लिए, कीड़े मकोड़ों को हटाने के लिए इसको काम में लेते हैं, है ना। एक दोस्तों लोगों से खाना लेने के लिए इनके पास में बोल होता है जिसमें ये खाना लेते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ किताबें होती हैं इनके पास में, इस प्रकार से दोस्तों कुछ चीज़ें इनके पास में भी होती है, और भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर मैं बात करूँ आइडल्स की, मूर्तियों की, तो श्वेतांबर जो है, ठीक है, उनके अंदर अगर आप देखोगे तो जो भी इनके जो भी तीर्थंकर है उनको ज्वेलरी के साथ में अच्छे कपड़े, एकदम शाइनिंग आईज, इस तरीके से दोस्तों बनाया जाता है। दिगंबर दोस्तों अपने जो आइडल्स हैं उनको नेकेड और बहुत ही ज़्यादा सिंपल नीचे की तरफ देखते हुए इनकी आईज है जो कि बनाते हैं। तो आइडल्स यानी कि मूर्तियाँ भी अलग अलग प्रकार से दोस्तों बनाई जाती है। ये श्वेतांबर की मूर्ति आप देख रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी आईज है, बहुत अच्छे इनको गहने पहनाए हुए हैं, है ना, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके जो है मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाई जाती है। वहीं बहुत ही दिगंबर उसको बहुत ही डाउन रखते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाई रखते हैं। स्क्रिप्चर्स की बात करें तो जैनिज्म के अंदर जो तीर्थंकर जो यूज करते हैं उनको श्रुत जन्ना कहते हैं, डिस्कोर्स जो डिलीवर करते हैं ना, जो भी प्रवचन जो देते हैं तीर्थंकर उनको क्या कहते हैं, है ना, श्रुत ज्ञान के नाम से जाना जाता है। श्रुत ज्ञान के अंदर दोस्तों 11 तो अंग होते हैं, है ना, और 14 जो है वो क्या होते हैं, पूर्व जो होते हैं, ये पेपर में आ चुका है पहले सवाल कई बार, है ना, कई सारे सिविल सर्विसेज में कितने अंग होते हैं, कितने पूर्व होते हैं और उनको क्या कहते हैं, तो श्रुत्र श्रुत्र ज्ञान है जो कि कहते हैं, जो प्रवचन देते हैं ना उनको कहते हैं। 11 प्रकार के अंग, 14 प्रकार के पूर्व होते हैं, ठीक है। दिगंबर का ये मानना है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे हमारे जैनिज्म के वो खत्म हो चुके हैं, हम लोग उसको लॉस्ट कर चुके हैं, अभी जो भी टेक्स्ट चल रहे हैं मॉडर्न एरा के हैं, ये ऐसा दिगंबर का मानना है। श्वेतांबर ऐसा दोस्तों नहीं मानते, उनके हिसाब से ये जो है वही रियल है, ठीक है, उनका ये मानना है कि उनके पास जो टेक्स्ट है वो ओरिजिनल है, ठीक है। हालांकि उन्होंने भी धीरे धीरे जो है वो कलेक्शन किया, उनका भी मानना होता है कि थोड़ा बहुत हमारे पास इनकम्प्लीट है आज के टाइम पे भी। ओके, श्वेतांबर का मानना है कि उनके पास जो मूल ग्रंथ है ना वो बिल्कुल प्रमाणित है। ओके, और तत्ववर्ता सूत्र, ये जो सूत्र है यानी कि ये जो किताब है ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेट और है ना और अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है जो कि माना जाता है दोनों के द्वारा, श्वेतांबर और दिगंबर दोनों के द्वारा, ठीक है। इसको तत्वरत्न सूत्र है जो कि कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र नाम याद कर सकते हो, और इसको दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं, बोलते हैं कि यही सबसे मोस्ट रेलिवेंट है जो कि माना जाता है, ठीक है। ये श्वेतांबर यहाँ पे आप देख सकते हो, श्वेतांबर लिखा हुआ है, पार्श्वनाथ भगवान जो है उनकी ये आइडल है जो कि बना रखी है। अब मैं लिटरेचर के बारे में बात करूं तो दो प्रकार से जैन का लिटरेचर है जो कि डिवाइडेड है, जैसे मैंने आपको बताया, पूर्व हो गए और एक अगम हो गए, है ना। अगम जो है ऐसा मानते हैं कि ओरिजिनल स्क्रिप्चर जो है वो अगम के अंदर है जो कि गंधार के टाइम पे दोस्तों लिखे गए थे, ठीक है। इसमें गंधार और शूद्र केवलिया द्वारा संकलित मूल शास्त्र है जो कि माने जाते हैं, और ये कौन सी प्राकृत है, प्राकृतिक लैंग्वेज के अंदर है जो कि इसको लिखे गए हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टोटल दोस्तों कितने मिलेंगे आपको, टोटल 11 अंग है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, लॉर्ड महावीर की जो प्रीचिंग है, जो उन्होंने कहा है, जो उनके प्रवचन है, वो भी इस टेक्स्ट के अंदर है जो कि इंक्लूड करे जाते हैं। कलेक्टिवली दोस्तों इनको अगम है जो कि कहते हैं, और ये सेक्रेट, मोस्ट सेक्रेट है, जैसे कि गीता है हिंदुइज्म में, क्रिश्चियन के अंदर बाइबल है, इसी तरीके से जैनिज्म के अंदर अगम जो पुस्तकें हैं उनको काफी, अगम जो पुस्तकें हैं उनको काफी दोस्तों सेक्रेट है जो कि माना जाता है
है ना, कोई एक सेक्रेट बुक है जो कि इनकी नहीं है, जैसे कि बाइबल होती है, कुरान होती है, गीता होती है, ये कई सारे फॉलोवर्स, कई सारे इनकी किताबों का जो कलेक्शन है उन्हीं को दोस्तों सुप्रीम है जो कि मानते हैं। तो ये अगम लिटरेचर को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना, कुछ चीजें जो कि अगम के अंदर अंदर वाली है, कुछ चीजें जो बाहर से ली गई, इस तरीके से दो पार्ट में इसको डिवाइडेड है। तो 12 अगम है टोटल मिला के, ठीक है, 11 बाद में एक और ऐड करी गई, 12 हो गए, और महावीर की टीचिंग के ऊपर जो ऐड करी गई वो 12वीं थी, और इस प्रकार से उनको ऑर्डर के अंदर है जो कि दिया जाता है। ये सारे के सारे दोस्तों इसके नाम है, ठीक है, और अचरत, सूत्र, सूत्र कृतंग, स्थानांग, संव्यांग, इस तरीके से सारे के सारे नाम है जो कि दे रखे हैं। ओके, अब टोटल 12 उपंग तो अगम हो गए जिसके अंदर, है ना, इसी प्रकार से दोस्तों और भी कई सारे टेक्स्ट है जो कि इसके अंदर इंक्लूड करे गए, जैसे कि चेदा सूत्र। चेदा सूत्र में जो है ना कि कैसे व्यवहार करना चाहिए या कैसा व्यवहार होना चाहिए किसी भी मॉन्क का, उसको डाला गया चेदा सूत्र में। ये 6 प्रकार की किताबें हैं, है ना। अगर कोई संन्यास ले लेता है तो स्टार्टिंग में उसको कैसे प्रिंसिपल्स अपनाने हैं, ये 4 मूल सूत्र में दोस्तों बताया गया है। ओके, इसी प्रकार से कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी दी गई है वो प्रकीर्ण सूत्र में दी गई है। उसी प्रकार से सिलिका सूत्र के अंदर कैसे आपको बॉडी के पार्ट को सजाना है, मूर्तियों को सजाना है, उसके बारे में दोस्तों आपको सिलिका सूत्र में बताया गया, जो कि 2 प्रकार की किताबें हैं। तो ये दोस्तों सारी किताबें बड़ी महत्वपूर्ण है, और किताबों के नाम कौन से रिलीजन से संबंधित है ये पेपर में पूछ लेते हैं। ऑलराइट, कितने प्रकार के हैं ये भी ध्यान रखिएगा, 12 अंग हो गए, 6 आपके चेदा सूत्र हो गए, 4 आपके मूल सूत्र हो गए, 10 प्रकीर्ण हो गए, और 2 सिलिका हो गए। इस तरीके से आप इनको नॉर्मली याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। कई सारे नॉन अगम लिटरेचर भी हैं, है ना, जो कि बाद में कंपाइल करे गए, जो बड़े बड़े जो उनके बुजुर्ग मॉन्क थे ना, उनके द्वारा जो लेक्चर दिए गए, उनके द्वारा जो काम किया गया, स्कॉलर्स के द्वारा जो किया गया, उनको नॉन अगम लिटरेचर के अंदर डाला गया। इसको कई सारी भाषाओं में लिखा गया, प्राकृत में, संस्कृत में, मराठी, गुजराती, हिंदी, जैसे जैसे लोग आते चले गए वो अपना टेक्स्ट को और इम्प्रूव करते चले गए, और ये सब इस तरीके से टेक्स्ट बनता चला गया। अब इसी पूरी जर्नी के अंदर दोस्तों सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं वो लॉर्ड महावीर है जो कि माने जाते हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम ही है, जिनको लास्ट तीर्थंकर है जो कि माना जाता है, है ना। कुंदाग्राम वैशाली के नियर जिनका जन्म हुआ, इनके जो पेरेंट्स थे वो भी क्षत्रिय थे, फादर का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, और कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे, ज्ञानेत्र वंश के प्रमुख है जो कि हुआ करते हैं। मदर का नाम त्रिशाला, जो कि लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन है जो कि मानी जाती है, है ना, चेतक का डॉटर ने बाद में हरियंक के जो किंग है बिंबसार उनसे भी शादी करी। ओके, ठीक है, तो इनकी जो बहन थी त्रिशाला की, उन्होंने बाद में हरियंक किंग जो था बिंबसार उससे भी दोस्तों शादी करी थी। तो काफी महत्वपूर्ण परिवार से जो है वो मानी जाती है, दोनों ही दोस्तों किंग परिवार से आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ और त्रिशाला दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसका जन्म हुआ, महावीर का जन्म हुआ 540 BC से 468 BC का टाइम है जो कि हम लोग मानते हैं, यानी कि नियर बाय अगर आप देखोगे तो 72 ईयर्स के आसपास है जो कि महावीर जो है जिए हैं। लॉर्ड महावीर की बात करें तो सिद्धार्थ और क्वीन त्रिशाला के घर पे इनका 540 BC के टाइम पे दोस्तों वज्जी किंगडम में इनका जन्म हुआ। आज वज्जी को हम लोग वैशाली के, जो वैशाली है बिहार में, उसके नाम से जानते हैं, ठीक है, और इस वाकु वंश के दोस्तों ये बिलोंग किया करते थे। ये भी पेपर में दोस्तों सवाल आ चुका है, कौन सी डायनेस्टी से ये बिलोंग किया करते थे। इनकी जो शादी होती है वो यशोदा से होती है, और इनकी जो डॉटर का नाम था वो था प्रियदर्शनी, है ना। इनका जो पहला जो डिसाइपल है उसको जमाली को माना जाता है, जो पहला डिसाइपल था। 30 की उम्र के अंदर इन्होंने घर छोड़ दिया, धीरे धीरे घूमते रहे, पता ही नहीं चला करना क्या है जिंदगी में। 13 साल तक घूमने के बाद में दोस्तों इन्होंने मेडिटेशन किया, और फाइनली दोस्तों 12-13 साल के बाद में पूरे फ्रेम में, शुरुआत में तो घूमते रहे, 1-2 साल कुछ नहीं हुआ, बाद में किसी ने बताया कि भाई ध्यान लगाओ, खुद को जानो, समझो, कई साल तक, 13 साल तक दोस्तों इन्होंने ध्यान लगाया, और फाइनली दोस्तों इनको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हुआ, जिसको केवल ज्ञान है जो कि कहते हैं, ठीक है। और जिम्बिकाग्रम गाँव जो है वहां पर एक पेड़ के नीचे, है ना, उन्होंने एक साल के पेड़ के नीचे जो है वो 42 की उम्र के अंदर है जो कि इसको अचीव किया था। तो ये भी पेपर में पूछते हैं, CGL 2016 के अंदर दोस्तों केवल ज्ञान क्या उन्होंने प्राप्त किया, इसके बारे में पेपर में पूछते हैं, 13 साल की तपस्या के बाद में, है ना, उन्होंने क्या प्राप्त किया, तो वो केवल्य जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। साल पेड़ के नीचे 42 की उम्र के अंदर उन्होंने, है ना, कौन सी जगह थी,
जिम्बिका ग्राम गांव के अंदर उन्होंने इसको अचीव किया, ये भी पेपर के अंदर पूछा जा सकता है अगली बार। नेक्स्ट बात करते हैं केवल ने उन्होंने अचीव किया, महावीर ने बोला जो खुद के सेंसेस को कॉन्कर कर ले उसी को जैन है ना या जीना है जो कि कहा जाएगा। कितनी बड़ी बात है आप सोचिए, आपके अलग अलग प्रकार की फीलिंग आती है, कभी आपको गुस्सा आता है, कभी आपको बहुत ही लस्ती फील होता होगा, कभी आपको बहुत इरोटिक फील होता होगा, कभी कैसे फील होता होगा, कभी बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता होगा, कभी बहुत खुशी होती होगी, कभी अलग अलग प्रकार की फीलिंग है जो कि इंसान के मन में आती रहती है। अगर आपने उनको कॉन्कर करना सीख लिया, लड़ाई हो गई, बहुत भयंकर लड़ाई हो गई, अब तो ये है कि बस मर्डर ही होगा उस केस में, अगर आप अपने सेंसेस को गुस्सों को कंट्रोल करना सीख लो, गेम रिजॉल्व हो गया, आप कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम में आओगे नहीं, किसी के साथ जिद बहस नहीं करोगे। इसी को कहते हैं डेवलपमेंट, इसी को कहते हैं अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना, समझ गए। तो ये चीज जिसने कर ली उसी को जैन है जो कि कहा गया। उन्होंने यही बोला कि जो इसको कंट्रोल कर लेगा वो जैन है जो कि बन जाएगा, ठीक है। 30 साल तक दोस्तों उन्होंने टीचिंग करी और पवा के अंदर 72 की उम्र के अंदर लास्ट है जो कि उनकी डेथ हुई। महावीर ने दोस्तों वैदिक प्रिंसिपल को रिजेक्ट किया, वो गॉड के एक्सिस्टेंस में बिलीव नहीं करते थे, उनका ये मानना था कि एक यूनिवर्स भी एक भगवान है, नेचुरल फिनोमेना है जिसकी वजह से आप जो काम करते हो उसी के इफेक्ट है जो कि आपको देखने को मिलते हैं, है ना। लॉर्ड महावीर ने दोस्तों 5 मेजर प्रिंसिपल दिए, 4 किसी और के द्वारा दिए गए थे, ब्रह्मचार्य इन्होंने बाद में ऐड किया, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, नॉन अटैचमेंट और बाद में जो है चेस्टिसी, यानी कि बाद में आपको ब्रह्मचार्य सेलिबेसी है जो कि अपनाना पड़ेगा। तो ये 5 प्रिंसिपल उनके द्वारा अपनाए गए। आज अगर आप जीवन में वायलेंस नहीं करते हो, सच बोलोगे, चोरी नहीं करोगे, अटैचमेंट नहीं होगा, कोई चीज पोजेस करने का आपको लालच नहीं है, तो फिर बन गए आप मॉन्क, आपको जीवन में समस्या ही नहीं है, और मेडिटेशन और कर रहे हो उसके बाद, और क्या चाहिए इस जीवन में, ठीक है। इन्होंने कहा कि आपको 3 चीजें हमेशा जीवन में अपनानी चाहिए, जिसको त्रिरत्न का नाम है जो कि दिया गया पेपर में। पूछते हैं 5 टीचिंग के अलावा 3 रत्न के बारे में इनके द्वारा बात करी गई। एक है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। आप अपना फेथ सही रखो, नॉलेज सही रखो, कंडक्ट सही रखो, ठीक है। 3 चीजों को अगर आपने मैनेज कर लिया तो आपकी लाइफ में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये कर्मा में बिलीव रखते थे, और बॉडी के एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सोल ट्रांसफर होता है ना, वो ये बिलीव किया करते थे। उनका मानना था कि बॉडी मर जाती है लेकिन सोल कभी भी नहीं मरता, ठीक है। आप जैसा काम करोगे वैसे ही आपको कर्मा जो है वो वापस से घुमा के देगा। इन्होंने लाइफ को बहुत ही सिंपल तरीके से जीने में और नॉन वायलेंस के ऊपर जो कि फोकस किया, ऑलराइट, हमेशा इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, बुद्धिज्म जैसे बुद्धिज्म ने किया था उसी प्रकार से। गुड और बैड दोस्तों इन्होंने एक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके बर्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, है ना। और अगर आप तपस्या करते हो दोस्तों तो आपको भुखमरी और बहुत सारी समस्याओं से दोस्तों आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन आपकी तपस्या आगे बढ़ते जाते हैं उस दिन जीवन के अंदर आपके बहुत सारे सक्सेस और बहुत सारे आपकी समस्याएं खत्म होती जाती है, ठीक है। कॉन्शियस इन्होंने लर्निंग के ऊपर बहुत फोकस किया, आपके फेथ, नॉलेज, कंडक्ट, ये सब आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये एलिमेंट अगर आपने ऐड करिए तो आपके जीवन सॉर्टेड आउट है, है ना। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जीव और आत्मा, इन दोनों के ऊपर इन्होंने दोस्तों काम करने के लिए बोला, ठीक है। संसार के 2 महत्वपूर्ण तत्व है जो कि इन्होंने बताए। पहली काउंसलिंग जो होती है वो पाटलिपुत्रा में होती है, जिसको स्थूल भद्र ने दोस्तों होस्ट किया, ठीक है। दूसरी जो काउंसिल होती है वो वल्लभी गुजरात में होती है, जिसको यहाँ पे देवर्दी के द्वारा दोस्तों उसको होस्ट है जो कि किया गया। ये काउंसिल भी पेपर में पूछते हैं। कई सारे दोस्तों साउथ इंडिया में लोग थे जिन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया, जैसे कि कदंब राजवंश ने, गंगा राजवंश ने, है ना, अमोघ घोष ने, इसके अलावा कुमार पाल ने, चालुक्य डायनेस्टी, कई बड़े बड़े रूलर ने दोस्तों जैनिज्म को वो किया, अडॉप्ट किया। उसी प्रकार से नॉर्थ इंडिया के अंदर बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हर्षवर्धन, है ना, करवेला किंग, इन लोगों ने दोस्तों जैनिज्म को फॉलो किया। कई बड़े बड़े इसके लोग थे जिन्होंने इसको फॉलो किया। एक और प्रिंसिपल है जो कि जैन धर्म में दिया गया, अनेकावाद का, ठीक है। उनका ये मानना था कि कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती, तो परिवर्तन ही जीवन का मार्ग है। परिवर्तन जैसे जैसे होता है वैसे वैसे आपको भी परिवर्तन करने पड़ते हैं, एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, समझ गए। ये अजम्पशन था कि कुछ भी दुनिया में कांस्टेंट नहीं रह सकता है, ये प्रिंसिपल उन्होंने दिया, ठीक है। उन्होंने 3 एस्पेक्ट के ऊपर बात करी दोस्तों, कि आपके द्रव्य पदार्थ से आप बने हुए हो जो कि हमेशा सेम नहीं रहेगा, आपके गुण के ऊपर काम करो, और पर्याय आपके जीवन के अंदर मोड है जो कि बदलते रहते हैं, ठीक है। ये इनके द्वारा बताया गया।
इसके अलावा ठीक है, इन्होंने सैद्वाद के बारे में भी बात करी, एक और मेटाफिजिक्स के बारे में जैनिज्म के अंदर। इसके अंदर बोला जाता है कि जो भी जजमेंट होते हैं हमेशा कंडीशनल्स होते हैं, है ना, कुछ चीजों के अंदर वो सही होते हैं, कुछ चीजों के अंदर गलत होते हैं। तो मे बी वाला जो प्रिंसिपल होता है ना, बोलते ना हम लोग, हाँ हो सकता है सही, ये हर जगह वैलिडेट करता है। तो आप इतना ठीक है, हर जगह पे ये वैलिडेट करता है, तो किसी के लिए सही किसी का गलत है जो कि हो सकता है, लेकिन आपको दोनों की रिस्पेक्ट है जो कि करनी पड़ेगी। ठीक है, आप किस तरीके से चीजों को देखते हो ये बहुत मैटर करता है। इनिशियली दोस्तों उन्होंने मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करी, ये सारे के सारे इनकी फिलॉसफीज थी एक्चुअली, जो कि बाद में बताई गई। जैनिज्म और बुद्धिज्म के अंदर एक जो फर्क है वो बहुत बड़ा फर्क ये वाला भी है। ऑलराइट, अगर आप देखोगे तो महावीर ने ऑर्गेनाइज करवाया कि किस प्रकार से पुरुष और महिला जो है वो इक्वली सोसाइटी के अंदर जो है वो ट्रीट किए जाए, है ना। जैनिज्म ने क्लियरली कोई डिस्टेंट है जो कि नहीं करा ब्राह्मणिज्म और बाकी रिलीजन के बीच में, जैसे कि बुद्धिज्म ने भी किया था। ऑलराइट, और इसी वजह से जो है वो धीरे धीरे फैलता भी चला गया। तो कुछ सिमिलैरिटीज जो है वो यही है कि इक्वलिटी, सबको समानता मानना, महिला पुरुष को इक्वल रखना, ये सारे के सारे दोस्तों कारण थे जिसकी वजह से जैनिज्म जो है वो बहुत फेमस हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में ज्वाइन कर लिया, जैन एसेटिक बन गए, उसको जैनिज्म में दोस्तों कर्नाटका में इन्होंने बहुत फेमस करवाया, बहुत ज्यादा प्रमोट किया। ओके, जब मगध में अकाल पड़ गया तो उसी टाइम पे दोस्तों इन्होंने काफी मदद भी करी, और साउथ इंडिया में भी जैनिज्म काफी फैल चुका था। ओके, 12 साल तक दोस्तों ये रहा, और उसी टाइम पे कई सारे लोग साउथ इंडिया चले गए थे, वहां पे भद्रबाहु के द्वारा लीड किया जा रहा था, भद्रबाहु से ही इंस्पायर होके चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में इसको ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, कलिंग किंग करवेला जो है उन्होंने भी दोस्तों बाद में उनसे इंस्पायर होकर ज्वाइन कर लिया। ऑलराइट, चलिए, तो जैनिज्म ये बोलता है कि देखो गॉड तो होता है लेकिन सिंगल गॉड होता है यूनिवर्स। बुद्धिज्म इसको भी एक्सेप्ट नहीं करता, है ना। जैनिज्म दोस्तों वर्ण सिस्टम को कंडम नहीं करता लेकिन बुद्धिज्म करता है। हालांकि जैनिज्म ने वर्ण सिस्टम को प्रमोट भी नहीं किया लेकिन कंडम भी नहीं किया। ऑलराइट, इसी प्रकार से जैनिज्म को मानते हैं कि वो सोल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक बॉडी से दूसरा बॉडी, जैनिज्म ऐसा नहीं मानता है, बुद्धिज्म ऐसा नहीं मानता। बुद्धिज्म ने आपको मिडिल पाथ बताया, जैनिज्म ने आपको दोस्तों स्ट्रिक्ट फॉलो करने के लिए बात बताई। सबके अपने अपने सिंबल्स हैं जो तीर्थंकर हैं दोस्तों, जैसे कि ऋषभ नाथ जो है उनका बुल सिंबल है, पेपर में पूछते हैं, है ना। कैलाश के अंदर इनका इनका निर्वाण हुआ ऐसा माना जाता है। अजीत नाथ का एलिफेंट है, संभव नाथ का हॉर्स है, अभिनंद नाथ का मंकी है, इस तरीके से इनके सिंबल। और दोस्तों कहां पर, ये देखिए समंत शिखर जो है ना वहीं पर इन सबका निर्वाण हुआ था। इसी वजह से समंत शिखर के ऊपर जब रोड बनाई जा रही थी, डेवलपमेंट किया जा रहा था, तो काफी प्रोटेस्ट हुआ था अभी कुछ टाइम पहले। और मेजरली लोगों का अगर आप देखोगे वहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, लास्ट में महावीर का लायन है, पार्श्व का स्नेक है, तो ये दोनों भी आपके लास्ट में ध्यान रखने हैं। ठीक है गाइस, पवापुरी के अंदर महावीर का हुआ और समंत शिखर के अंदर ही आपका पार्श्वनाथ जो कि 23वें थे उनका जो है वो निर्वाण हुआ। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों जैनिज्म का एक टूरिस्ट सर्किट भी जो है वो बनाया गया, तीर्थंकर सर्किट इसका नाम दिया गया है। जैनिज्म से संबंधित सारी आपको यहीं पर जो है वो मिलेगी, सारे डेवलपमेंट वाले पाथ मिलेंगे, जैसे कि वैशाली घुमाया जाएगा, पवापुरी, राजगीर, पटना, है ना। प्रोजेक्ट अभी इंप्लीमेंटेशन के अंदर है, बिहार के अंदर मेजरली ये जगह है जो कि देखने को मिलती है। और राइट, कई सारे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट, ये तो बुद्धिस्ट है ना, इसके अलावा कई सारे दोस्तों जैनिज्म के पैट्रोनेज हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। साथ में स्टैच्यूज के बारे में बात करें तो गोमतेश्वर बाहुबली स्टैच्यू है, वैसे ही दोस्तों आपके ऋषभनाथ का है ना महाराष्ट्र के अंदर भी है, उसी प्रकार से श्रवण बेल गोला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहुबली स्टैचू जिसको गोमतेश्वर स्टैचू कहते हैं हम लोग कर्नाटका में। ठीक है, तो ये दो स्टैचू दोस्तों बहुत ही फेमस है। इसके अलावा दिलवाड़ा टेम्पल है माउंट आबू के अंदर, गिरनार की पहाड़ियां हैं गुजरात में, वैसे मुक्तागिरी मंदिर है महाराष्ट्र में। तो ये सारे स्टैचू और टेम्पल जो है ना ये जैनिज्म से दोस्तों संबंधित है। कुछ एक केव भी बनाई गई जो कि जैनिज्म से संबंधित है, जैसे कि आपके अलोरा केव्स है जो इसमें जैनिज्म के बारे, एलिफेंटा में भी जैनिज्म के बारे में बताया गया है, हाथी गुम्बा है ना, सीता नवालसल है, उदयगिरी की पहाड़ियां गुफाएं हैं, गजपंथा गुफाएं हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये सारे के सारे गुफाएं दोस्तों जैनिज्म से संबंधित है, ये जैन आर्किटेक्चर है। मंगी तुंगी केव्स है महाराष्ट्र में, ये भी जैनिज्म से संबंधित है। ऑलराइट, तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज और केव्स है जो कि आपके जैनिज्म से संबंधित है जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपको आईबी का बैच ज्वाइन करना है जो कि 3 महीने आपकी लाइव क्लासेस चलेगी, मार्च अप्रैल में आपका, फरवरी मार्च में आपका एग्जाम है, तो आप क्लास 24 ज्वाइन कर सकते हैं।
आपको यहाँ पे IB40 रेफरल कोड यूज करना है। 300 घंटे की लाइव क्लासेस मैं, शिप्रा मैम, सारी टीम है जो कि आपकी लेने वाली है। 50 टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। GD का बैच भी लॉन्च हो गया है दोस्तों, 27 तारीख से GD का बैच भी लॉन्च होने वाला है, आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ से भी आपको काफी बेनिफिट है जो कि मिलेगा। आपको क्या करना है, SSC में जाना है और आपको GD में जाना है। यहाँ पे आपको GD का बैच और IB के लिए आपको गवर्नमेंट एग्जाम में जाके IB में ज्वाइन करना है। ऑलराइट, 27 तारीख को दोस्तों मिलेंगे पेड क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।